के लिए हाजिर हूं वैलेंटाइंस मंथ फेब्रुअरी के लव रीडिंग्स लेके, 12 राशियों की लव रीडिंग्स। कैसा रहने वाला है आपका फेब्रुअरी का महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिए? आप लोग सब जानते ही हैं, ये एक जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ रेजोनेट करती है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है। आपको क्या करना है, आपको अपना राशिफल लव रीडिंग्स देखनी है अपनी लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली, सन साइंस के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से भी आपको लगता है कि आप रेजोनेट करते हैं उस हिसाब से आप अपनी लव रीडिंग देख सकते हैं। और पहले ही बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सबके साथ कंप्लीटली 100% रेजोनेट करे, क्योंकि सिचुएशंस होती है ना, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब हम लव रीडिंग्स कर रहे हैं तो कई लोग मैरिड होंगे, कई लोग रिलेशनशिप में होंगे, कई लोगों की शुरुआत हो रही होगी, वो कहते हैं ना नया नया प्यार है वो शुरू हो रहा होगा, कहीं कोई प्रपोज करने की सोच रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो आप जिस भी राशि से रेजोनेट करते हो, हमेशा जो राशि देखते हो उसी को देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का राशिफल। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट तो आप वीडियो देखने के बाद कर ही देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग और जो है लव रीडिंग और अलग अलग तरह के पिकअप पाइल एंड स्विच वर्ड्स जो है मैं रेमेडीज देती रहती हूँ, सॉल्यूशंस देती रहती हूँ, ऑकल से रिलेटेड बहुत आसान आपको मैं सॉल्यूशंस देती रहती हूँ। अगर वो जानना है तो उसके लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मेरा चैनल, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं अपना राशिफल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज आप सबका रिलेशनशिप खूब फले फूले, आपके जीवन में हमेशा प्यार बरसता रहे, आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहें, और आपकी ये जो जीवन की डोर है ये कभी भी अलग ना हो, इसी कामना से ये एक छोटा सा मंगल आशीर्वाद कह लीजिए आपके सुखी जीवन के लिए। शुरू करते हैं हमारा राशिफल। सोच रहे होंगे बहुत देर लगा रही है, ये भी जरूरी था। शुरू करते हैं हमारी दूसरी राशि टॉरस राशि। वृष राशि वालों के लिए देखते हैं ये फरवरी का महीना वैलेंटाइंस मंथ क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए।
तो जब मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ टॉरस राशि वाले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को। इस महीने आप अवॉइड करेंगे और जानबूझ के करेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है जानबूझ के करेंगे। जो वो कहेंगे या कहेंगे वो आप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये आ गया आपका सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। और किस लिए नहीं कर रहे हैं वो भी रीजन है मेरे पास। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसों के लिए, काम के लिए पैसा कमाना है। अरे पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ना छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। तो यहाँ पे टॉरस राशि वालों के लिए क्विटिंग की एनर्जी आ रही है, क्विट करने की एनर्जी आ रही है, एस्केपिस्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा अपने आप को अपने सरेंडर नहीं करेंगे इस महीने, लव रिलेशनशिप के लिए ज्यादा सरेंडर नहीं करेंगे। शायद इसलिए कि इस टाइम, इस महीने वो पैसों को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। एरीज के लिए मैंने देखा था वो करियर को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। यहाँ टॉरस के लिए मैं देख रही हूँ कि पैसे को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पैसा पैसा पैसा, हाँ ये करेंगे और मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ दौड़ेंगे। और अपने पार्टनर को कंप्लीट 100% मुझे देख नहीं रहा, और बहुत ज्यादा वीक भी महसूस करेंगे, क्योंकि इनका जो डेक्स कार्ड आया है वो आया था हर्मिट का कार्ड। बहुत ज्यादा वीक वीक महसूस करेंगे, क्योंकि इस टाइम, इस मंथ फेब्रुवरी में जो टॉरस राशि वाले हैं उनको बहुत ज्यादा ना अपनी दूरदर्शिता रहेगी कि आगे लाइफ में क्या होगा, आगे लाइफ में क्या होगा। वो काफी चिंतित रहने वाले हैं पैसों से लेके बाकी लाइफ के अंदर, और बाकी जो चीजें जरूरी होती हैं उस उनको लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। उनको रहेगा कि प्यार व्यार तो सब ठीक है, प्यार व्यार तो सब बेकार है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार की तरफ उनको जाना ही नहीं है। यानी एक भी कार्ड जो है, मैंने सिक्स कार्ड निकाले हैं, सिक्स कार्ड में से एक भी कार्ड ये नहीं कह रहा है कि वो थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत की तरफ जो है अपना रुझाव करेंगे, झुकाव करेंगे। उनको टोटल कंप्लीट जो फेब्रुवरी में ये जो हमारे टॉरस हैं ये अवॉइड करने वाले हैं, एस्केप करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है टॉरस। तो ये नजर आ रहा है मुझे। और आगे जो अगर ये ऐसा करेंगे फिर क्या होगा, अब इनके पार्टनर को भी देख लेते हैं ना। इनको बता देते हैं फिर क्या होगा। तो अगर इन्होंने अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दिया, एस्केपिस्ट आ गया, पैसे की तरफ दौड़ेंगे, मेच्योरली बिल्कुल आगे की सोचेंगे कि 10 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है, या वीक वीक महसूस करेंगे, तो इनका पार्टनर क्या करेगा, डेथ का कार्ड, चेंज, ट्रांसफॉर्म, टावर, गुस्सा, भूम, बाम, एंड देन पेज ऑफ स्वॉर्ड। टॉरस, अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो आपको अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आप सोच लीजिएगा, चेंज हो गई है सिचुएशन, आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला, वो कहेगा जी मैं चला या मैं चली, ऐसा हो सकता है। डेथ का कार्ड है, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आप तो ये सोच रहे हैं ना कि नहीं भाई सब कुछ है, प्यार व्यार भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन प्यार व्यार कुछ भी नहीं रहने वाला। और ये जो है ना आपका जो भी पार्टनर है टॉरस राशि वाले, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, टॉवर का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसा है। तो जो थर्ड पार्टी पैसा है वो उस पैसे के लिए आपसे लड़ाई होगी कि फिर कि आपको, या वो गर्ल है या बॉय है जो भी है, कि आपको पैसे की पड़ी रहती है, ये रहता है वो रहता है, मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं है ध्यान। तो एक छोटी मोटी लड़ाई सी मुझे नजर आती है फेब्रुवरी के महीने में, थोड़ा सा तानातानी रहती है, जिद जिद जिद, ईगो रहता है और एयर में रहता है बिल्कुल। मतलब मेजर अर्कना से आए हैं आपके पास, हर्मिट का भी, डेथ का भी, द टावर का भी, और मैं आई एम वेरी सीरियस इन दिस। तो टॉरस को जो है अभी से संभल जाना चाहिए। जो टॉरस मेरा ये राशिफल देख रहे हैं, अपने लिए लव रीडिंग देख रहे हैं, तो ये लव रीडिंग को बिल्कुल फॉलो करना, और अपने पार्टनर को भी कंप्लीट रिस्पेक्ट और टाइम देना, ठीक है? और ज्यादा पैसे की तरफ मत दौड़ना। अब हम देखते हैं आगे आपको ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओरेकल कार्ड कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये देखिए ओरेकल कार्ड कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स चीजों को बैलेंस करिएगा। ये बैलेंसिंग का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, ये बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने ये बैलेंसिंग नहीं करी तो फिर आपका नुकसान बिल्कुल निश्चित है। अगर आपको अपना नुकसान नहीं करना है
तो आप जो है आप चीजों को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। और आपका जो है थर्ड चक्र आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा। थर्ड चक्र होगा आपका ये नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सेस है ना, और उसको अगर आप चार्ज करते हैं, उसके लिए अच्छा खाते पीते हैं, वो येलो कलर का होता है ये जो हमारा थर्ड चक्र होता है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए आपको जो है दाल ज्यादा खाइए, बेसन खाइए, पीला खाना खाइए और लाल मिर्च मसाले वगैरह मत खाइए, क्योंकि ये जो सोलर प्लेक्सेस है यहीं पे सब एसिडिटी होती है, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, जो कहते खट्टी डकारे आती है, यहीं से सब कुछ होता है। वो पित्त की शिकायत भी यहीं से होती है, सोलर प्लेक्सेस से होती है। और इसीलिए आप जब गैस बनती है तो यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, एकदम जलन सी हो जाती है। तो लाल चीजें वगैरह मत खाइएगा, हल्की चीजें खाइएगा, हल्दी का सेवन जरूर करिएगा, दूध में हल्की सी हल्दी डाल के पीजिएगा। तो आपको जो ये बिल्कुल इट्स नॉट अ जोक, अगर आप अपने चक्रा को बैलेंस करेंगे तो वाकई में आपकी सिचुएशन में भी चेंज आएगा। चक्रास हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए अपना थर्ड चक्र को आप जरूर 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 से बैलेंस करिएगा। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में बाकी चीजों का बैलेंस बरकरार हो जाएगा, यानी आपके रिलेशनशिप पे भी उसका फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा जब लोग कई बार बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हमारे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता ना, ये वही सिचुएशन है। अगर आप जो है इनो शिनो पी लेते हैं तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है, आप लाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हल्दी जरूर अपने खाने में आप ऐड करिएगा, फरवरी के महीने में तो जरूर करिएगा, ठीक है, और बैलेंस करिएगा। और ये देखिए आपके लिए कार्ड क्या है, एंजल्स के लिए, एंजल कह रहे हैं कम आउट ऑफ द क्लोजेट, यानी कि आपने जो अपने आपको रोक लिया है, पैसों की तरफ जाना है, यानी आपने जो ये सब ना यूं इकट्ठा करके यूं बंद कर दिया है दरवाजा, उसको खोलो, ताला खोलो, चाबी ढूंढो कहाँ रखी भी है, कहीं आपने घर में ही रख दी होगी, उसको निकालो और उसको खोलो, और अपने लव रिलेशनशिप को, अपने से प्यार करने वाले को और जिससे आप प्यार करते हैं उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको अवॉइड मत करो, उससे आप क्विट करके मत भागो, अपने जिम्मेवारियों को पूरा करो, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, ठीक है टॉरस।